हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तिथिज़ यूनिक रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे आलू मटन की करी। इसे आलू गोश्त करी भी कहा जाता है और मटन पोटैटो करी भी आप कह सकते हो। कोई भी नाम से बुलाओ, एक ही बात है। तो चलिए बनाते हैं आलू मटन की करी। तो आलू मटन की करी बनाने के लिए पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने ली है एक चम्मच, हमने ली है जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा ही हम इसमें मिलाएंगे नमक, थोड़ा सा मिलाएंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हम मिलाएंगे जीरा पाउडर। अभी सभी मसालों को मिला के हम हाथ से एक बार हल्का सा मिला लेंगे और हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा ही ऑयल, कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल मिला सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल मिला रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल मिला सकते हो। अभी ऐसे हम हाथों से अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छी तरह हम मिला के अब मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे से एक घंटा हम छोड़ देंगे। अब आधे घंटे से एक घंटे बाद हम मटन को प्रिपेयर करेंगे। पैन में पहले हम ले रहे हैं ऑयल और ऑयल के साथ हम घी मिला लेंगे। आप चाहो तो पूरे ऑयल में भी ये रेसिपी आप बना सकते हो, पर घी मिलाने से ग्रेवी में एक अच्छी फ्लेवर आती है। अभी तेल गर्म होने से पहले ही हम तेल में थोड़ा सा ही चीनी मिलाएंगे। ये एक ट्रिक है, इससे दो काम होगा। एक तो ग्रेवी का कलर, जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा ये चीनी भी कैरमलाइज होती जाएगी और ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छी आएगी। जो रेड कलर की ग्रेवी हम चाह रहे हैं वो आ जाएगी। और फिर हम दही भी मिलाएंगे ग्रेवी बनाने का टाइम पे, तो वो टेस्ट बैलेंस करने के लिए भी काम आ जाएगी। जैसे ही चीनी कैरमलाइज होगी, तड़के में हम मिलाएंगे तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला। गरम मसाले में हम दालचीनी का दो टुकड़े और लौंग, इलायची और काले मिर्च, ये सब हम मिलाएंगे। हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही खड़े मसालों का फ्लेवर आने लगे, फिर हम मिलाएंगे ऑयल में कटे हुए प्याज। अब कटे हुए प्याज को मिला के हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए प्याज अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें मिला रहे हैं हल्दी पाउडर और फिर हम मिला रहे हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अभी हम मिला रहे हैं रेड चिली पाउडर, पर हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि जब मैंने मैरिनेट किया था तब भी मैं मिलाई थी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर जब हम मैरिनेट किया था मटन को तब भी हम मिलाए थे। तो स्पाइस आप थोड़ा अपने हिसाब से देना, कि जितना आप स्पाइस पसंद करते हो उसी के हिसाब से आप मिलाना। अभी हम मिलाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर हम हल्का सा पानी मिलाएंगे ताकि मसाले जल ना जाए। जब भी हम मसाले को भूनेंगे तो हम फ्लेम लो ही रखेंगे, नहीं तो मसाले जलने का एक खतरा रहता है। अभी हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा ही धनिया पाउडर और हम मिलाएंगे थोड़ा सा ही जीरा पाउडर। टेस्टी और डिलीशियस मटन करी के लिए ये मसाले को भूनना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हड़बड़ी में अगर आप करेंगे तो ये ग्रेवी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए 6-7 मिनट या 8 मिनट अब थोड़ा सा ही धीरे लो फ्लेम में मसाले को अच्छी तरह भूनना होगा। देखिए मसाले कितनी अच्छी तरह भून गया है। 7-8 मिनट से मैं भून रही हूँ मसाले को। अभी मैं जो मैरिनेट किया हुआ मटन था वो मैं मटन अब मिलाऊंगी इसमें। अब मटन को ये मसाले के साथ हम अच्छी तरह पकाएंगे। 4-5 मिनट ये मटन के साथ भी ये मसाले भूनना पड़ेगा।
अभी हम इसमें मिलाएंगे बॉयल किए हुए आलू, पर ये फुल बॉयल नहीं है, हमने पार बॉयल किया है। अब आलू को भी हम अच्छी तरह मटन के साथ और मसाले के साथ भूनेंगे। 3-4 मिनट तक आलू को भी हम भूनेंगे। अभी हम मिला रहे हैं फेटे हुए दही। जब ही आप दही मिलाएंगे तो ये ध्यान रखना कि फ्लेम लो रहे, क्योंकि हाई फ्लेम में दही का फट जाने का डर रहता है। अभी हम इसमें मिलाएंगे नमक। ये ध्यान रखना होगा कि जब हमने मैरिनेट किया था तो तब भी हमने थोड़ा सा ही नमक मिलाई थी, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए सोच समझ के नमक डालना होगा। देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। अभी हम मिलाएंगे पानी। अब पानी मिला के आधे घंटे के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे लो से मीडियम फ्लेम में। और अगर आप जल्दी में हो तो आप प्रेशर कुकर में डाल के 4 से 5 सीटियां लगा सकते हो। अभी हम खोल के देखेंगे कि ग्रेवी कितना तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बन के तैयार हुआ है। तेल भी देखिए, साइड से तेल भी छोड़ दिया है और मटन भी पूरा पक चुका है। तो अभी हम करेंगे इसका डिश आउट। डिश आउट करने से पहले थोड़ा सा ही हम इसमें गरम मसाला मिलाएंगे। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून। अभी ये मटन करी का ग्रेवी आप कितना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हो। अगर आप चाहो तो ये करी का ग्रेवी आप बहुत रानी भी रख सकते हो। अगर आप थिक ग्रेवी पसंद करते हो तो आप थिक भी कर सकते हो। मैंने मीडियम रखा है, ना ही ज़्यादा थिक, देखिए ना ही ज़्यादा पतला। ऐसे ही मटन करी आप घर में बनाएं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये आलू मटन करी आप स्टीम्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हो, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठा के साथ भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही रेसिपी आप घर में बनाएं और पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करें, और अगर गेस्ट आए तो भी आप बना के सर्व कर सकते हो। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और पहली बार मेरे चैनल आप देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई कोई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।